मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल है रविवार यानी कि 15 मार्च 2020 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 चैत मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि आज दिन के 10:14 तक रहेगा, उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहने वाला है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र आज शाम के 4:51 तक रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए अशुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाएं कि आपकी सही राशि क्या है और आप भी उसी हिसाब से अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज के ग्रहों की स्थिति पर। आज शुक्र मेष राशि में, राहु मिथुन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल गुरु केतु के साथ आज धनु राशि में, शनि मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, सूर्य आज मीन राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिजाज हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कार्य आरंभ करने से पहले बिल्कुल सोच समझकर उसकी प्लानिंग करें और कैसे उसमें आपको सफलता मिलेगी ये चीज जरूर सोचें एक बार। दूसरों की मदद करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको आज होता हुआ दिखेगा। कुछ क्षेत्रों में आपकी नई शुरुआत भी संभव है। किसी प्रकार के धार्मिक कार्य करने के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य के योग बने तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्य कीजिए, इससे सद्बुद्धि आती है और समृद्धि भी आती है। परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। संतान की तरफ से आपको थोड़ी चिंता रह सकती है, खास करके संतान की गतिविधियों से। तो जरूर सुनिश्चित करें कि आपका संतान क्या कर रहा है, कैसे कार्यों में है, उसकी संगति कैसी है, ये सब चीज़ें जरूर सोचें। किसी से आपके वाद विवाद हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से बिल्कुल बचें, इससे आपके कार्य बाधित हो सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो व्यापार में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। निवेश करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको किसी के झूठ के कारण आज नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोई अटका हुआ धन भी आपको आज प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति भी आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपके भावनाओं का आज सम्मान भी करेंगे। आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीजें खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज 7वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद भी आज मिलेगी। आज आप दूसरों की मदद करेंगे, कुछ पुराने मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। संतान के सुख में वृद्धि होगी और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बिना वजह वाले विवादों से बचें। दिन भर आपका मन खुश रहेगा और अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा और दिन भर इससे आपको खुशी भी महसूस होगी। बात करें विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति हो सकती है, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर भी होगी।
बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो पुराने रोग आज खत्म हो सकते हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हालांकि शरीर के किसी भी दाएं अंग में आज चोट लग सकती है, तो अपना ख्याल रखें। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, घर में खुशी का माहौल भी बना रहेगा। आज के दिन अगर कुछ तला हुआ भोजन करते हैं जैसे पकौड़े वगैरह, तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की, मिथुन राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी सामाजिक महत्व के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। सामाजिक कार्य ऐसे भी करते रहना चाहिए, इसमें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज किसी अनचाहे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है। खान पान में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामले को हल्के में ना लें, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए हल्के मामले आपके जीवन में आगे चल के परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, तो आज जरूर इसे संभल कर रहें। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लोग आसपास के आपसे खुश भी रहेंगे। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है। आय के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी, खर्च भी आपका बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में आपको लाभ होगा। मकान या भूमि संबंधित कार्यों में थोड़ी चिंता आपकी रह सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा मेहनत भरा रह सकता है। ज़्यादा मेहनत का आपको कम फल भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन थकान और आलस्य से परेशान रह सकते हैं। अपने आप को कम समय दे पाएंगे, अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको आज ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम प्रस्ताव आपके विफल हो सकते हैं, विवाद होने की भी संभावना बन रही है, तो प्यार का इजहार करने से आज बचें, इससे आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रंग। बात करेंगे अब कर्क राशि की, कर्क राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी योजना सफल हो सकती है। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, आज आप अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ भी कर पाएंगे। दोस्तों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको दिन भर में प्राप्त हो सकती है। संतान से सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक मामले में थोड़ी उलझन हालांकि बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य में कमी रखें, ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में आज सुधार संभव है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार और निवेश में धन हानि की संभावना बन रही है, तो सलाह विचार करके ही कुछ कार्य करें। अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है, साथ ही आपके खर्च भी आज बढ़ सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो आज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों को भी प्रेम संबंध में सचेत रहने की जरूरत है। आज आपके प्रेम संबंध और जो उजागर हो सकते हैं, साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है। जीवन साथी से आज आपकी नोकझोंक की संभावना भी बन रही है, तो आपको कुल मिलाकर प्रेम संबंध में आज सचेत रहना चाहिए। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाइट पिंक कलर। बात करेंगे सिंह राशि की, सिंह राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। मकान जमीन जायदाद से संबंधित मामले आपके आज सुलझ सकते हैं, साथ ही नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जो भी बोलें बिल्कुल सोच समझ कर बोलें। कहीं घूमने फिरने के योग भी आपके लिए आज बन सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आसपास जो भी आपके शुभचिंतक हैं और अनुभवी हैं, उनकी सलाह निश्चित तौर पर लें। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपकी चिंता आज थोड़ी बढ़ सकती है, तो अपनी चिंता को मत बढ़ाएं, अपने खर्च को घटाएं, इसी से आपका भला होगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की रुचि आज पढ़ाई में बढ़ेगी, साथ ही इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और पेट संबंधी कुछ परेशानी आपको रह सकती है। अपने भोजन का ध्यान रखें, कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान भी आज कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के प्रति सकारात्मक विचार रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। साथ ही आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना, जो भी योजना आप बना रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें, इससे आपके संबंध बेहतर रहेंगे। आज के दिन केला खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग।
बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार की कलह सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी। पुराने विवाद और परेशानियां आज खत्म हो सकते हैं, सोचे हुए काम भी आपके पूरे होंगे, किस्मत का साथ भी मिलेगा, कुछ लोगों के साथ आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं, जिसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक और नियंत्रण में चलाएं, दुर्घटना की संभावना बन रही है तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, आज आपके ज़्यादातर शौक भी पूरे होते हुए दिखेंगे। खरीदारी के योग बने जिसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की मेहनत आज सफल रहेगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी बिल्कुल न रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, थकान और आलस भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिड़चिड़ापन भी आज रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच आज अच्छी समझ भी बनी रहेगी। आज के दिन चावल अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा, परिवारजनों का स्नेह भी आप पर बना रहेगा, साथ ही लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन सकते हैं और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए और फंसे हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा आत्मविश्वास में तो बिल्कुल भी ना पड़ें, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आज आपको अपनी बात किसी से शेयर करने का भी मन करेगा, लेकिन बातें शेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतें, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है, शादीशुदा लोगों को आज सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए आपने जो मेहनत किया है उसका फल आपको आगे चल के जरूर होगा। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं, अपने आक्रामक रवैये की वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं। किसी से आज कर्ज बिल्कुल ना लें। नौकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। आज कहीं भी निवेश करना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज सफलता के योग बन रहे, मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर मूंग की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रंग। बात करेंगे अब धनुराशि की, धनुराशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको नजदीकी दोस्तों और प्रेमीजनों का मदद मिल सकता है, किसी अनुभवी लोग की सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है। आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें भी सिखा सकती है, साथ ही आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से पर आज बिल्कुल नियंत्रण रखें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आय में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार करने वाले जातकों के आय में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें, आपके खर्च भी आज बढ़ेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थकान हो सकती है, नींद में कमी भी आ सकती है, पुराने रोग आपको परेशान भी कर सकते हैं। आज प्रेम संबंध की बात करें, दाम्पत्य जीवन आपका खुशियों से भरा हुआ रहेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला, अनुकूल नतीजे मिलने के योग भी बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग। बात करें मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है,
जिसके फलस्वरूप आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर जरूरी हो तो जो भी अनुभवी लोग हैं आपके आसपास और आपके शुभचिंतक भी हैं, ऐसे लोगों की सलाह से ही कोई बड़ा फैसला लें, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए फैसले आज गलत साबित हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। कामकाज में आज आपको सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है, किसी मित्र से हालांकि आपकी अनबन होने की भी संभावना बन रही है, तो अपनी वाणी पे खुद ही नियंत्रण रखें, किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, ऐसे योग बने तो निश्चित तौर पर जाइए, इससे समृद्धि आती है, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। बात करें व्यापार और धन की, तो किसी प्रियजन की मदद से आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है, माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। आज कहीं अगर आप निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे, व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं, कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष भी आज बेहतर रहेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित और निराश रह सकते हैं, लेकिन आपको चिंता और निराशा से निकलकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो गले या मुंह से संबंधित कुछ परेशानी आपको रह सकती है, तो अपना ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, जीवन साथी आज आपके कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, वैवाहिक जीवन में समरसता आपकी बनी रहेगी, संबंध मधुर रहेंगे। आज के दिन अगर गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग ब्राउन कलर। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको कुछ फंसे हुए कार्यों को निपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसे कोई भी कार्य जो कि लंबे समय से रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ऐसे कार्य को आज खत्म करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है, बहुत सारे कार्यों को आप इस प्रकार से निपटा पाएंगे। अपने काम को लेकर अगर आप संकोच में आज नहीं रहते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए कहीं पर झूठ भी बोलना पड़े। आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि ले सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज कहीं भी धन निवेश करने से बचें, आपको हानि हो सकती है, आज आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लापरवाही और संकोच में ना पड़ें, इससे आपको आपके करियर में हानि होगी। अपने व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत करेंगे तो सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही कफ का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंडी चीज़ें खाने से बिल्कुल बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और विवाहित लोगों को भी प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, प्यार के इजहार करने के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग बैंगनी रंग। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपको मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को अच्छा करने की जरूरत है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। कामकाज में आपको सफलता भी मिल सकती है। ऑफिस में या फील्ड में ज़्यादा समय आपको देना पड़ सकता है। आज कुछ नकारात्मक सोच भी आपको परेशान कर सकती है, तो नकारात्मक सोच से बचें, इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में मुनाफा होगा, साथ ही नौकरी के लिए भी अनुकूल स्थिति बनी रहेगी, अपने व्यापार में भी वृद्धि कर पाएंगे। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन भोजन संबंधी अगर कुछ दिक्कतें हैं तो वो खत्म भी होंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव आ सकता है, जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद में ना पड़े, लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। आज के दिन अगर गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग गहरा पीला रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिकाल रहने वाला है दिन के 3:30 से लेकर शाम के 4:59 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहुकाल रहने वाला है शाम के 4:59 से लेकर शाम के 6:29 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचें, असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला पान। पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य बने रहेंगे।
मित्रों अब जानते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। आज दिन है रविवार का और रविवार का दिन होता है भगवान सूर्य का दिन। प्रत्येक रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही इस दिन अगर सूर्य देव का व्रत रखते हैं, व्रत इसमें कैसे रखते हैं, नमक नहीं खाते, जो भी चीज़ खाते हैं मीठा खाते हैं दिन भर और रात में भी, नमक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते और ढलते हुए सूर्य को भी जल फिर से अर्पित करते हैं। उगते हुए सूर्य को भी और ढलते हुए सूर्य को, दोनों तरफ के सूर्य को जल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से सूर्य दोष के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपको समाज में से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।